अगर रोज़ की दाल खा के आप बोर हो गए हैं तो आज वही दाल हम कुछ डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत खास होने वाली है, इस दाल रेसिपी को आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली एक डिफरेंट तरीके की रेसिपी की वीडियो मिलेगी। सबसे पहले मीडियम फ्लेम पर हम कुकर को चढ़ाएंगे और कुकर में आधी कटोरी अरहर की दाल और आधी कटोरी चने की दाल हम इसमें डाल देंगे। इन दोनों दालों को 10 मिनट पहले हमने पानी से अच्छे से धुलने के बाद भिगो दिया था और अब इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे। 2 गिलास पानी डाल देने के बाद में हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और आधा बड़ा चम्मच हल्दी डाल देंगे और कुकर को बंद कर देंगे। 1 सीटी तेज आंच पे, 2 सीटी धीमी आंच पे, कुल 3 सीटी लगा के दाल को पका लेंगे। और आपके कुकर में दाल जितनी देर में पकती हो आप उतनी सीटी लगाइएगा। अब दूसरी तरफ कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और 6-7 लहसुन की कलियों को बारीक कट करके डाल देंगे। 1 बड़े साइज के प्याज को बारीक कट करके डाल देंगे और 1 मीडियम साइज के टमाटर को भी बारीक कट करके डाल देंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अभी हमने तीखे में कुछ भी ऐड नहीं किया है और अगर आप ज़्यादा तीखा फ्लेवर पसंद करते हैं तो इसमें तीखी वाली लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब इस तड़के में आधा कप पानी डाल देंगे और इसे बंद कर देंगे टमाटर और प्याज अच्छे से मसाले के साथ पक जाने के लिए। 3 मिनट बाद जब सारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसमें बारीक कट किया हुआ पालक ऐड करेंगे और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीब पालक लिया है। ये फ्रेश पालक है और बिल्कुल बारीक कट किया हुआ है। जब पालक भी अच्छे से पक जाएगी तब हम इसमें दाल डाल देंगे और दाल डालने के बाद ठीक से मिला लेंगे और इसके बाद में 2 मिनट के लिए फिर से दाल के साथ हम पालक को पका लेंगे। अब देखिए, है ना दाल का एकदम डिफरेंट लुक। वही रोज की दाल है लेकिन बिल्कुल नए तरीके से बनाई हुई है और इस नए तरीके से आप भी दाल बना के देखिएगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इस तरीके से दाल बनाने के बाद हर रोज आप दाल ऐसे ही बना के खाना पसंद करेंगे। अब लगेगा इसमें लास्ट तड़का, तो ये हम देसी घी का तड़का लगाएंगे। ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगाइए, चाहे तो घी के साथ ऐसे ही दाल को खाइए। तो इसमें हम आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और 2 हमने लाल मिर्च ली है, ये तीखी वाली लाल मिर्च है, और थोड़ी सी हींग डाली है। हींग जरूर डालिएगा, हींग का तड़का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है दाल को। तो इस तरीके से दाल बना के ज़रूर खाइएगा और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से दाल बना के खाइएगा और कभी भी कोई गेस्ट आते हैं या कुछ खास बनाना हो तो ये दाल ज़रूर बनाइएगा। बिल्कुल डिफरेंट स्वाद और डिफरेंट लुक में आपको ये दाल खाने को मिलेगी। आपको लगेगा कि कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल डिश है। तो फ्रेंड्स, एक बार तो ये दाल बनाना बनता है और मैं दावे से कहती हूँ, अगर आपने एक बार ये दाल बना ली ना तो आप बार बार इसी दाल को बनाना पसंद करेंगे। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर है इसका। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूँगी आपको एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इस रेसिपी को इंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।